कि जो वास्तु है, तो वास्तु जो अभी तक मुझे समझ में आ गया कि केवल छोकर ही अलाव है, केवल छोकर अलाव है कि उत्तर दिशा में पूर्व दिशा में ये छोकर ही होना चाहिए, और अगर हम बाहर देखते तो कोई भी घोंसला बनाते हैं तो गोल गोल बनाते हैं, चोकर में मनुष्य के अलावा चोकर कोई नहीं बनाता है, और कभी भी जब भी वास्तु के रूप में कोई मकान देखता है तो कुल मिला के जवाब हो रहा है कि उसको तोड़ फोड़ करके नया मकान बना देना वास्तु के हिसाब से, तो मिला के यही होता है। तो मतलब गोल गोल खिड़किया गोल रूप ये अलग अलग जो ये आर्च जो होता है ये वास्तव में क्यों माना है? देखिए प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न है कि आज ये वास्तु शास्त्र पढ़ा रहे हैं, ये आज की इंजीनियरिंग को अपनी कल्पनाओं को और उस वक्त की स्थिति को साथ रख कर के कभी कुछ वैचारिक दृष्टि से नई वस्तु देने को तैयार हो रहे हैं क्या? पहली बात तो यह, अगर वो नहीं है। दूसरा आपका ज्योतिष, आप जानते हैं ज्योतिष के मोटे तौर पर तीन रूप हैं ज्योतिष में, जिसको हम एक बोलते जातक, जातक हम लोगों के जन्म पत्र आदि को देखने दिखाने का ज्योतिष है, सबसे बेहुदा और बेकार यह, उसको हमने ज्योतिष नाम दे दिया, और आपका द्यू सूर्यमंडल खत्म हो गया। तो अब बताइए कि हम आज शास्त्रों को जब अपने ढंग से बदल रहे हैं, वास्तु का अर्थ तो सीधा सा है कि किसी भी प्रकार आपके वास में रहने में बाधा न हो। अब जैसे आज अपन जानते हैं नौकरी चाकरी आने जाने वाले काफ़ी, रसोई आप बिल्कुल बाहर वाले उसमें रहकर चलते से पूछा घर में है नहीं है, चलो बात खत्म हो गई, और एक अपन पीछे हो तो वो आवाज़ ही नहीं आएगी, चलते घर का दरवाज़ा खोलना पड़ेगा, पचासी झंझट। तो वास्तु का मतलब ये है, वस धातु के कई अर्थ, देखिए वस शब्द का एक अर्थ तो है आधार, देश जिसका अंग्रेजी शब्द हो गया आज, तो वास में सबसे बड़ा आधार है कि हमारे जीवन को प्राकृतिक आपदाओं से, दैनिक जीवन की असुविधाओं से और दूसरे कारणों से सुरक्षित कर ले, देश हमारा बने रहने का निर्णय एक। अब दूसरा है, अब उस वास में हम अपने लिए अनुकूलताएं कितने प्राप्त कर सकते हैं और प्रतिकूलताएं कितने दूर कर सकते हैं, यह दूसरा चिंतन हो गया। और तीसरी बात एक और है, आपका किस प्रकार का काम है, कैसे वास्तु की आवश्यकता है। अब आप किसान हैं और तो आधुनिक ढंग से भी आपके घर में ये भी हल वगैरह भी और ये सब कुछ पड़ा है, तो ये सब चीज़ें घर में लाकर रखेंगे तो आपका उस चीज़ के लिए योग्य होना चाहिए, लाना ले जाना बाहर के बाहर ले जाइए, और आज जिसके ये नहीं दुकान खोलनी है उसके और चीज़ हो जाएगी। तो हम जीवन में किस प्रकार की जीविका को स्वीकार करेंगे और उस जीविका के अनुकूलतम परिवार के एक एक व्यक्ति का भी हमें योग मिल जाए, और देखो वो वास्तु। तो इन सब चीज़ों को न दे करके केवल पूरा पश्चिम मुंह करना, वो करना करना और फिर छोड़ा देना, ये तो ठगा या डाकों का रूप है, शास्त्र का रूप ही नहीं है। तो वास्तु प्रथम शास्त्र तो वेद ही था। वास्तु बिल्कुल वेद के, आप अपना जो अथर्ववेद है इसमें आप देखिए वास्तु सूक्त पूरे के पूरे, और जिस ढंग से उन्होंने लिया। और दूसरी बात तो सबसे बड़ा वास्तु कौन, आप देखिए ऋग्वेद का यजुर्वेद का जो 40वां अध्याय है उसको हम क्या बोलते हैं, ऋग्वेद का जो 40वां अध्याय है उस अध्याय का नाम ही ईशावास्य उपनिषद है। क्या है ईशावास्य? ईशावास्य उपनिषद 40वां अध्याय है यजुर्वेद का, हाँ, और यजुर्वेद की सभी शाखाओं का लगभग लगभग कार्णव और मध्यंदिनी शाखा का तो है ही 40वां, और हम लोगों के पढ़ने में जो ईशावास्य उपनिषद आ रहा वो कार्णव का है। किसका है? कार्णव। अब ईशावास्य उपनिषद है, अब उसमें सबसे पहला मंत्र क्या, ईशावास्यम इदम सर्वम, इदम सर्वम, ये जो कुछ भी आपके सामने दिखाई दे रहा है जिसकी आप कल्पना की दृष्टि से भी देख सकते हैं और प्रत्यक्ष दृष्टि से भी, वो ईशावास्यम। आप सोचिए हमारे वास्तव में कहीं इसके लिए कोई जगह है क्या है? और इसके लिए जगह है तो सजावट के रूप में है, पूजा में करेंगे है? तो ईशावास्यम एकदम सर्वम कहाँ,
यत्किंच जो कुछ भी है, किस जगह? जगत्याम। देखिए जगत्याम, इस पृथ्वी पर, पृथ्वी बिचारी एक जगह स्थिर रहती है, आपका वास्तु एक जगह स्थिर रहेगा, पर इसमें यत्किंच जो कुछ भी है, छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़, उसको आप सबसे पहले इस दृष्टि से लिखिए कि ईश का आवास करने योग्य, उसके अनुकूल चलने वाला क्रम लेकर ये चलाए। और जगत शब्द मनुष्य के लिए है। देखिए संबोधन है ये, हे जगत, क्या है? इदम सर्वम ईशावास्यम। ये वेद के विषय में कहें, अगर ऐसे लोग बैठे चर्चा करें तो भी अच्छी लग सकती है, पर वो कभी कोई कभी कोई कभी क्या चर्चा, कभी क्या चर्चा, क्रम भंग हो जाता। और कुछ मैंने कहा ना, हमारे ये बालक लोग जिनको कि आगे सारा जीवन पड़ा है और वास्तव में आज जो शिक्षक के रूप में है, इनको तो जो खूब लालच होना चाहिए कि हम सारे शास्त्रों को पढ़ने के बावजूद भी शास्त्रों को पढ़ने की दृष्टि आज तक नहीं पाए, उस दृष्टि को प्राप्त कर आगे बढ़ें, तो कितना कहने का आनंद है। तो ईशावास्य में ये एक पहले ही मंत्र आपको बता रहा कि ये गुरु और शिष्य के बीच का संवाद है। किसका है? गुरु शिष्य। हाँ, गुरु शिष्य के बीच का। परमात्मा से ये बात नहीं कहेगा, कुर्वन ने दिए कर्माणि यजुर्वेदम एवं त्वयी, एवं त्वयी, अरे बाबा तू बैठा हुआ है और मेरा शिष्य है, तू अपने आप को सुरखाप का पर लगा हुआ मत समझना, मैं सबसे बाहर हूँ, एवं त्वयी, तुझे भी ऐसे ही करना। क्यों? न अन्यथा इतः अस्ति, इससे भिन्न कोई मार्ग संभव ही नहीं है। कितनी बड़ी बात कह दी, कुर्वन्नेव इह कर्माणि शतम् समा जिजे विषेद, एक एक पल अपना काम करते हुए तू आराम से इन 100 वर्ष तक पूरे जीने की इच्छा कर, है? एवं त्वयी, तुझे भी ऐसा ही करना है, तुझे टाल के बात नहीं कह रहा हूँ मैं, या तू मेरा बेटा है या मेरा शिष्य है, तेरे को सब कुछ सत्य मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, न अन्यथा इतः अस्ति, इससे भिन्न कोई मार्ग है ही नहीं। तो कहते हमें लोगों ने डरा दिया, कर्म मनुष्य को बांध लेगा। तो कितना वेद आपको आश्वासन दे रहा, न कर्म लिप्यते नरे, इस मनुष्य को कर्म इस तरह बांधेगा नहीं। और गीता में यही कृष्ण कह देते हैं कि जितने भी हमारे कर्म यज्ञ का रूप देकर चल रहे हैं, कोई बंधन करने वाला नहीं है, और बिना यज्ञ के हम एक भी काम कर देंगे बंधन वाला। तो ये हम देखते दिखाते कि वेद को क्या है, तो ईश्वरीय ग्रंथ है, इसमें से कुछ जो राय है ही नहीं, पर ये सोचना कि ईश्वर ने बना करके दे दिया, धरती पर फेंक दिया, ये तो कोई तरीका नहीं है। तो एवं त्वयी, न अन्यथा इतः अस्ति, न कर्म लिप्यते नरे। अब आप देखिए आपका जो ये ठीक अभ्युदय और निःश्रेयस दोनों विद्याएं हैं, विद्या भी है और अविद्या भी है, विद्या के कुछ और काम है, अविद्या के कुछ और काम है, दोनों मिलके तुम चलोगे तो तुम्हारा उद्धार है। तो ये कहें इदम इति सुश्रुमे धीराणाम ये नस्तद विचक्षिरे। देखिए कितनी बड़ी बात कही है, वेद मंत्र बोल रहा है, धीराणाम का प्रयोग कर रहा है, धीराणाम का मतलब बहुवचन, धीराणाम और सुश्रुमे का मतलब भी बहुवचन। तो सुनने वाले हम कई हैं और जिनसे हम सुन रहे हैं वो धीर भी कई हैं। तो धीराणाम, संसार को समग्र दृष्टि से अच्छी तरह से बहुत बढ़िया से मंथन कर करके उसे प्राप्त करने वाले धीर व्यक्ति से हम सुनते आए हैं। क्या सुनते आए हैं? विद्या से कुछ और होता है, अविद्या से कुछ और होता है। तो क्या होता है? और कि अविद्या मृत्युम तीर्थवा, लोग अविद्या नाम देते, गाली सुना लेते हैं, अविद्या, तुम अविद्या का अध्ययन करोगे तो इस मृत्यु को पार कर जाओगे, वो अभ्युदय तक हो गया। और विद्या अमृत मश्नुते, विद्या से तुम अमृत प्राप्त कर लोगे, ये आपके निःश्रेष हो गया। तो वेद मंत्र दो ही चीज लेकर चल रहा, संपूर्ण जागतिक अभ्युदय की पराकाष्ठा तक पहुंच जाना और इसको भी ठुकरा देना और अंत में उस जगह पहुंच जाना, इससे बड़े और क्या कहेगा। तो और पुरुष में यही नाम है, क्योंकि ईश्वर का वो जो रूप है संसार के रूप में आ रहा होता नहीं है, पुरुष शब्द का अर्थ स्पष्ट, पुर और वस, पुर माने जगह और वस माने बसने वाला, पुरी में रहने वाला। तो नौ द्वारे का पिंजरा करके हम खूब बोल देते हैं, गा लेते हैं, सुन लेते हैं, पर ये मानते नहीं हैं कि हम वही हैं
जो वो है। आप इसी उपनिषद के देखिए एक मंत्र में अंतिम मंत्र में आया कि ये जो सूर्य है उसमें मैं ही हूँ। आप सूर्य को क्या कहते हैं, मैं ही हूँ, पुरुष हूँ। यह असौ पुरुष है सोहम अस्मि, इस सूर्य में जो पुरुष है स वह पुरुष अहम अस्मि मैं हूँ। अब इतनी बातें वेद कह रहा, पर ये क्यों झगड़े पड़ रहे हैं, वही हम सांप्रदायिक दृष्टि से। ऋषि दयानंद जैसे व्यक्ति बहुत पूजनीय है हमारे लिए, जबरदस्त पूजनीय, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जो वेद की असल निष्ठा और श्रद्धा उनमें थी और एक उनकी दृष्टि थी, ये सारे मैक्स मुलर वगैरह कांप गए थे उनकी वजह से कि दयानंद अगर रहा तो हमारे हाथ से जाएगा सब कुछ। तो खैर, तो पर दयानंद ने भी ऐसे ही सोच लिया कि कोई हम ईश्वर के बराबर कर सकते हैं क्या, कहाँ वो और कहाँ हम। पर वेद में जितने भी नाम ईश्वर के हैं सारे पुरुष के नाम हैं। अब इससे बढ़कर दुनिया में कौन सा आपको साहित्य मिलेगा कि सर एक एक नाम, तो पुरुष नाम सबसे पढ़ा, तो पुरुष का अर्थ ही है। तो इन सब चीज़ों को अगर हम देखें करें समझें तो वास्तव में हमारे यहाँ आना भी और संसार में जन्म लेना भी और यहाँ से जाना भी। अब पर मुश्किल क्या हो गई है, ब्राह्मण शब्द आते हैं हमारे दिमाग में, ऐसे आएगा कि नालायकों ने अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताने के लिए और ब्राह्मणों के गीत गा दिए, यही आएगा। पर ये नहीं आएगा कि ब्राह्मण है कौन वास्तव में। इन सब चीज़ों को, हाँ, और कोई विशेष प्रश्न।